हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो आंसर की सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में हम आंसर की के बारे में डिस्कस करने वाले। जब आपकी आंसर की रिलीज होगी तब आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, अगर आंसर की आपकी जब रिलीज होगी, अगर एक भी मार्क्स अगर कोई भी स्टूडेंट का बढ़ जाता है तो 1000 रैंक का डिफर होता है। तो 1 मार्क्स इज इक्वल टू डिफरेंस इन 1000 रैंक। तो 1 मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमएचटीसीटी एग्जाम में। और 1000 रैंक से जो है आपके कॉलेज के लिए, अगर आप कोई ड्रीम कॉलेज है वो छूट सकता है, अगर वो 1 मार्क्स अगर आप नहीं पा सके तो। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करने वाले कि आप जब आंसर की आएंगे तो आप कैसे ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो, कैसे आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। और काफी सारे स्टूडेंट्स इस वक्त जो है डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, अभी जो है छुट्टी लगी है तो सब एंजॉय कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जो जो इंपॉर्टेंट मैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रिजल्ट से पहले ही रेडी करके रखना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, आप जो चैनल को जो है जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसके आगे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले, आपको चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हो, वो चाहे वो कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है, सब कुछ जो है आपको इस चैनल के थ्रू देखने को मिलने वाला है। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक जो है आपको इस चैनल के थ्रू हेल्प मिलते ही रहेगी, सारा गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करते ही रहेंगे। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी आपको एडमिशन से रिलेटेड डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलो आज का वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आंसर की के ऊपर। अब सबसे पहला जो पॉइंट आएगा सभी के मन में आएगा कि आंसर की जो है कब रिलीज होगी। देखो अब ये डिपेंड करता है आपके री एग्जाम के ऊपर। आपकी री एग्जाम जो है 9 to 10 अक्टूबर को है। आंसर की को रिलीज करने कम से कम सीईटी सेल जो है 10 दिन तो लेगी। अब री एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से आंसर की कोई रिलीज नहीं होगी, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही बार आंसर की रिलीज होने वाली। जब तक इनके री एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो जाते तब तक आपकी आंसर की रिलीज नहीं होने वाली। और इनके जब री एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, जो स्टूडेंट्स री अप्लाई किए री एग्जाम को, उनके अगर एग्जाम्स कंडक्ट हो जाते हैं तो सीईटी सेल 10 दिन के अंदर जो है आंसर की रिलीज कर देगी। अब आंसर की रिलीज होने के बाद ही आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान रखनी चाहिए, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको आंसर की में ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढना है जहां आपको कॉन्फिडेंस रहे कि ये क्वेश्चन जो है मैंने ऑप्शन राइट टिक किया, इसका आंसर जो मैंने ऑप्शन टिक किया वही करेक्ट है। आपको ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, देन ओनली जो है आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। अब ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप जो है अपने कॉलेज टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, या फिर आपके पहचान में कोई भी टीचर हो उनसे हेल्प ले सकते हो, या फिर कोई आप बुक का भी रेफरेंस यूज कर सकते हो, देन ओनली आप जो है आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। अब देखो पर क्वेश्चन पे जो है सीईटी सेल कुछ चार्ज लेता है। लास्ट ईयर जो है 1000 रुपीज था पर क्वेश्चन का, ऑब्जेक्शन के लिए 1000 रुपीज थे, लेकिन ऐसा भी कहा था कि अगर ऑब्जेक्शन करेक्ट होता है तो आपको जो है रिफंड मिल जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको आंसर की में देखने को मिले जहाँ पे आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये मेरा आंसर जो है वो राइट है और सीईटी सेल ने इसको रॉन्ग किया, देन ओनली आप जो है ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। पर क्वेश्चन जो है 1000 रुपीज है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है पर क्वेश्चन 1000 रुपीज देख के उसको इग्नोर कर देते, एक ही मार्क्स तो है चलो जाने दो। देखो स्टूडेंट्स, एक मार्क्स जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस लाता है एमएचटीसीटी एग्जाम में। एक मार्क्स जो है 1000 रैंक के बराबर होता है। समझो अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, जैसे कि सरदार पटेल आपको कॉलेज मिल रहे, अगर अभी एक मार्क्स अगर आप वो गवा दिए तो सरदार पटेल आपका कॉलेज छूट जाएगा, जिसके वजह से आप जो 1000 रैंक नीचे आ जाओगे। एक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है एमएचटीसीटी एग्जाम में। अभी इसके लिए सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने कितने सारे ग्रुप्स क्रिएट किए, एग्जाम डेट के वाइज जो है हमारे पास ग्रुप रेडी है, उसमें जो है आप अपना डिस्कशन कर सकते हो, 5-5 स्टूडेंट का ग्रुप बना सकते हो। आप 5 स्टूडेंट जो है मिलके एक क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन ले सकते हो, और 200 रुपीज 5 स्टूडेंट्स अगर भर देंगे तो कुछ ज्यादा इतना होगा इफेक्ट नहीं पड़ेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। हर एक शिफ्ट का आप जो है 5-5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए, और ऐसे कोई सी भी क्वेश्चन मिलते हैं तो देन आप जो है ऑब्जेक्शन रेस करो। अभी देखो जो ऑब्जेक्शन रेस करता है वही स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलता है क्या, ये सबके मन में क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। अब जिसने भी वो शिफ्ट में से कोई भी स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन रेस किया, अगर वो ऑब्जेक्शन करेक्ट निकला तो सीईटी सेल जो है उस शिफ्ट में जितने भी सारे स्टूडेंट्स है सभी को मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, उनको जो है बोनस मार्क्स मिल जाते हैं सभी स्टूडेंट्स को। इसके लिए जो है आपको ऑब्जेक्शन रेस करना पड़ता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एमएचटीसीटी रिजल्ट के लिए, क्योंकि एक मार्क्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है एमएचटीसीटी एग्जाम में।
तो ऐसा इग्नोर मत करना, जब भी आपकी आंसर की रिलीज होगी इसको इग्नोर मत करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहे तो आप जाइए वो पीडीएफ जो है आप अपने टीचर को बताइए, और इसका आंसर क्या है आप टीचर से पूछिए। उसमें भी अगर कुछ रॉन्ग निकलता है देन ओनली आप जो है ऑब्जेक्शन को रेस कर सकते हो। तो ऐसे करके आप पांच पांच स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए, देन जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि जहां पे आपको लग रहा है कि सीडी सेल ने इसका ऑप्शन जो है करेक्ट चूज किया है, आप जो है सारे के सारे स्टूडेंट्स 200 रुपीज पे करके ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे हमने तीनों के तीनों पॉइंट्स कवर कर दिए, अब जो है हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, अभी जो है रिजल्ट आने से 15 या 20 दिन बचे होंगे। रिजल्ट डेट जो है आपकी एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपको रिजल्ट मिल जाए, और नवंबर से जो है कैप राउंड स्टार्ट होने वाले। अभी भी तकरीबन जो है 10 से 20 दिन है आपके पास। अब इस 10 से 20 दिन में बहुत सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो बन सकते हैं, जैसे कि डोमासाइल हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये 1-2 वीक में जो है बन जाता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछ रहे थे कि भैया मेरा तो जो है कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। जब तक अगर आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तब तक आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। तो जल्द से जल्द कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी आपको जल्द से जल्दी बनाना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स को 45 डेज लगने वाले बनने के लिए, तो उसको मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मेरे को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। देखो स्टूडेंट्स, जब भी आप कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। तो टोकन नंबर जो है आपको कैप राउंड के फॉर्म में वो टोकन नंबर को सबमिट करना होता है, और जैसे ही आपका एडमिशन होने वाला है, जैसे ही आप जो है कॉलेज में जाते हो एडमिशन लेने, तब आपको जो है सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो अभी एडमिशन होने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने लगने वाले। तो अभी भी आपके पास मौका है कि जल्द से जल्द जाइए कास्ट वैलिडिटी के लिए, आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, देन आप जो है 1 से 1.5 महीने में आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट हो जाएगा। अभी हम इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको जो है ये ईयर का मतलब 2021 और 2022 का ही न्यू निकालना होगा। अगर किसी के पास 2020 से 2021 का होगा तो वो अभी नहीं चलने वाला है। अभी आपको जो है न्यू इनकम सर्टिफिकेट निकालना होगा 21 टू 22 का। अभी ये आपका जो एकेडमिक ईयर है 2021 टू 22 है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी 21 टू 22 का ही इनकम सर्टिफिकेट निकालना है। अब ये इनकम सर्टिफिकेट बनने के लिए आपका सिर्फ 1 हफ्ता लगता है, और डोमासाइल के लिए भी जो है आपको सिर्फ 1 ही हफ्ता लगता है। तो जल्द से जल्द जो है ये दोनों सर्टिफिकेट आप जल्द से जल्द बनाइए। अब ये इनकम सर्टिफिकेट कौन से स्टूडेंट्स बना सकते हैं, जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख है, उन सभी स्टूडेंट्स को जो है इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। वो अगर चाहे वो ओपन कैटेगरी से भी स्टूडेंट क्यों ना हो, उसको भी इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है। अगर उनकी एनुअल इनकम, फैमिली की एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख है, तो उसको भी इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, ताकि जो है जब वो एडमिशन ले कॉलेज में तब वो जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सके। नेक्स्ट जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है ओपन कैटेगरी के जो एलिजिबल है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, वो पूरा वीडियो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वीडियो को आप चेकआउट कीजिए। और ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी मोस्ट प्रोबेबली जो है 30 डेज में, विद इन 30 डेज में बन जाता है। अभी भी आपके पास चांस है, अभी भी अगर आप अप्लाई करोगे तो कैप राउंड फॉर्म में जो है अभी इसमें भी आपको टोकन नंबर दिया जाएगा। जब आप एडमिशन लोगे तब ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको हैंड टू हैंड सबमिट करना होता है, लेकिन जब अभी रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये रजिस्ट्रेशन कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 ये सारा जो प्रोसेस है बहुत लंबा जाने वाला है, 2 महीने 2.5 महीने तक जा सकता है, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप जाके जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, और जो टोकन नंबर है वो आपके पास रखिए, और रजिस्ट्रेशन में आपको वो टोकन नंबर काम आने वाला है। और जैसे ही आपका एडमिशन होगा वैसे ही आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट करने होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट का एक बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है, वो भी एक नेशनलाइज बैंक में उसका अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि आपका यूनियन बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ये सारे जो नेशनल बैंक है उसमें आप एक अकाउंट बनाइए। अगर आप 17 ईयर्स के हो तभी भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आप जाइए बैंक में, वहां से आप बोलिए कि मुझे जो एक स्टूडेंट अकाउंट बनाना है, तो वो स्टूडेंट अकाउंट बना के आपको दे देंगे। तो जल्द से जल्द अकाउंट भी आप जो है क्रिएट करके रख लीजिए, ताकि आपको एडमिशन में कोई डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। होप सो आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। आज हमने आंसर की के बारे में डिस्कस किया, इसको आप इग्नोर मत करना।
आप जल्द से जल्द जो है पांच पांच का ग्रुप बना लीजिए, हर एक शिफ्ट में से कम जो है हर हर साल जो है 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में जो है राउंड होते ही है, सभी स्टूडेंट्स को जो है बोनस मार्क्स मिलते ही है। आप जो है जल्द से जल्द पांच पांच स्टूडेंट्स का अपना ग्रुप बना लीजिए अपने अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग, देन आप जो है ऑब्जेक्शन रेस करो जब आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो है रिजल्ट डेट के बारे में हमने डिस्कस किया कि आपका रिजल्ट डेट जो है एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपको रिजल्ट आ जाए, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो चलो आज का वीडियो यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।